मॉर्निंग अगेन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू ऑल आर फाइन. एंड टुडे वी आफ्टर टू और थ्री क्लासेस वी आर हेयर फॉर स्टार्टिंग आवर न्यू टॉपिक, दैट इज चैप्टर नंबर 3. एंड वी हैव रेड सम टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर एंड फर्दर टॉपिक वी हैव टू स्टार्ट टुडे. ओके, एनिमल्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स. बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग इसके पढ़े थे और आज हम लोग इसका न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. और हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे शायद? ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया था. हाँ, चेक पॉइंट 1 तक हमने किया है. अब स्पेशल ईटिंग हैबिट्स इन एनिमल्स हमें स्टार्ट करनी है. जो ईटिंग स्टाइल था उसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स को बांटा गया था 3 पार्ट में, वो हम लोग पढ़ लिए थे. उसके बाद जो है हम लोगों के पास है स्पेशल ईटिंग हैबिट्स इन एनिमल्स. कुछ एनिमल्स के पास जो उनके खाने का हैबिट होता है वो कुछ खास होता है. ठीक है, उसमें पहला है सकिंग द फूड, खाने को चूसना. कुछ इंसेक्ट जैसे मॉस्किटो, बटरफ्लाई, इन सब के पास लंबा सा खोखला सा ट्यूब लाइक माउथ पार्ट होता है, यानी मुंह जैसा ही कुछ ट्यूब जैसा होता है जो कि उनके मुंह के रूप का होता है. बटरफ्लाइज क्या करती है, फ्लावर्स के पास जाके उनके रस को चूसने का काम करती है अपने माउथ पार्ट के हेल्प से. इसी टाइप के माउथ पार्ट जो उसका सकिंग लाइक ट्यूब होता है ना, उसके हेल्प से मॉस्किटो अपने शार्प ट्यूब लाइक माउथ पार्ट का इस्तेमाल करता है. कैसे? इस किसी भी एनिमल के स्किन में अंदर जाता है सक करने के लिए. ठीक है, और उसके बाद उसका खून चूसता है. मच्छर काटता है तो क्या होता है, पहले आपको लगता है कि उसका जो स्टिंग लाइक चीज़ है वो आपके बॉडी के अंदर गया, लगता है कि लहर रहा है, और उसके बाद वो खून को चूसता है और चूसने के बाद बाहर निकल के उड़ जाता है, या तो आप उसको मार देते हैं, है ना. इस तरह से वो खाना ले लेते हैं. फिर है स्वैलोइंग द फूड होल. कुछ ऐसा भी होता है कि पूरा खाना को निगल ही जाते हैं, सीधा जो भी खाते हैं वो उसको पूरा ही निगल जाते हैं. ठीक है, जैसे कि स्नेक, क्रोकोडाइल, इन सब को देखे होंगे, इन सब का जो टीथ होता है ना वो फूड को चबा पाने के लायक नहीं होता, इसलिए ये एनिमल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली पूरे ही एनिमल को ही स्वेलो कर जाते हैं, जो भी उनका फूड है उसको डायरेक्टली निगल जाते हैं. एनिमल्स विथ स्पेशल बॉडी पार्ट्स टू हेल्प ईट फूड. कुछ एनिमल्स जिनके कुछ खास बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि उनको खाना खाने में हेल्प करते हैं. कुछ एनिमल्स के पास कुछ खास बॉडी पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से वो अपना खाना खा पाते हैं. जैसे एलिफेंट के पास एक लंबा मोटा सा एकदम मजबूत सा नाक होता है जिसको हम लोग ट्रंक कहते हैं, उसका सूंड है ना. वो अपने ट्रंक का इस्तेमाल करता है अपने फूड को खाने के लिए और पानी पीने के लिए. साथ ही साथ वो अपना ट्रंक जो है वो एक शॉवर के रूप में यूज़ करता है, यानी नहाने के लिए उससे पानी झरने के रूप में आता है, यानी बहुत झरना नुमा स्टाइल में पानी को एकदम बरसात करवाते हुए वो यूज़ करता है उसको. कुछ एनिमल्स जैसे चमेलियन, फ्रॉग, इन सब के पास लंबा सा चिपचिपा टंग होता है, ठीक है, बिल्कुल चिपक जाए तो उसके टंग में जो जाता है चिपक जाता है, जो कि उसके माउथ पार्ट के फ्रंट से जुड़ा होता है, सामने आगे से जुड़ा होता है, जिसकी मदद से क्या करता है वो अपने टंग से अपने प्रे को यानी अपना फूड यानी अपना शिकार को पकड़ता है. जैसे ही वो उसके अंदर आते हैं वो चिपक जाते हैं, क्योंकि उसका जो टंग होता है वो कैसा होता है, स्टिकी होता है. देखो यहाँ क्या दिया है नॉलेज डेस्क में. कुछ एनिमल जैसे क्रोकोडाइल और स्नेक, इन सब के पास बहुत सारे टीथ होते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल खाना चबाने के लिए नहीं करते. ये टीथ जो है उन्हें क्या में हेल्प करता है, उनके शिकार को, उनके प्रे को पकड़ के रखने में. जिस भी चीज़ को वो पकड़ते हैं ना खाने के लिए, उसमें वो हेल्प करता है उसको पकड़ के रखने में. ठीक है, अब देखो यहाँ पे फूड चेन. फूड चेन क्या होता है, चेन का मतलब क्या होता है पहले बताओ. चेन मीन्स होता है कड़ी, कहने का मतलब जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ा हो, फिर दूसरा तीसरे से जुड़ा हो, तीसरा चौथे से जुड़ा हो, है ना. चैन चोर खेलते हो ना, चैन चोर में क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ना रहता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ फूड चैन है. कैसे, फूड के लिए एक दूसरे से जुड़ा होता है कोई भी एनिमल, वो हम लोग यहाँ देखेंगे. सारे लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए और आगे ग्रो करने के लिए, तो उन्हें ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, फूड से. प्लांट्स जो है वो कहीं बाहर से अपना खाना नहीं लेता, वो अपना खाना खुद से बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन सब की मदद से, सनलाइट की मदद से, इन सब की मदद से वो अपना खाना खुद बनाते हैं. फिर एनिमल्स जो है वो फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. एनिमल्स उन प्लांट्स के ही पत्ते खाते हैं, उसके फ्रूट्स खाते हैं ना, उन पर डिपेंड होते हैं. हर्बीवर्स भी प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं एनर्जी लेने के लिए. कुछ हर्बीवर्स जो है वो कार्निवर्स के द्वारा खा लिए जाते हैं. कुछ कार्निवर्स ऐसे होते हैं यानी मांस खाने वाले जो
जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, हर्बीवर्स को खा जाते हैं, है ना। और इस तरह से एक चैन बनता है। कैसे बना कि पेड़ को कौन खाया, मान लो हिरन खाया, ठीक है, और हिरन को कौन खा गया, शेर खा गया, और जब शेर मर गया तो शेर को कौन खा जाएगा, जो मरे हुए जानवर का मांस खाता है, जैसे कि वल्चर, ईगल, ये सब खा गया, है ना। फिर जब वल्चर ईगल मर जाएगा तो उसको कीड़े मकौड़े छोटे छोटे वो खा जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को लोग खाते जा रहे हैं, इसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं, ठीक है। एक फूड चेन स्टार्ट होता है हरे प्लांट से, ठीक है, जो कि एक हर्बीवोर द्वारा खा लिया जाता है, और फिर ये हर्बीवोर फाइनली एक कार्निवोर के द्वारा खा लिया जाता है। एग्जांपल के तौर पे हम अभी भी बताए थे, ग्रास जो है वो डियर के द्वारा खा लिया जाता है, और डियर जो है टाइगर के द्वारा खा लिया जाता है। ऐसे करके एक चेन बनता है। और वो एनिमल जो एक कार्निवोर के द्वारा खाए जाते हैं, मांस खाने वाले एनिमल के द्वारा जो एनिमल खाए जाते हैं, उन एनिमल को क्या कहते हैं, प्रे कहते हैं, ठीक है। जैसे डियर को खा लिया टाइगर, तो डियर क्या है, एक प्रे है, ठीक है। ऑल फूड चेन बिगिन विथ, सारा फूड चेन जो है प्लांट से शुरू होता है और कहीं ना कहीं वो एक कार्निवोरस एनिमल पे जाके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एक एक्टिविटी है यहाँ पे, वहाँ पे आपको प्लांट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल, बर्ड्स, इंसेक्ट, लायन, डियर, मैन, फ्रॉग, इतने सारे चीज़ का पिक्चर कलेक्ट करना है और एक फूड चेन बनाना है। जितना फूड चेन इससे आप बना सकते हैं उतना फूड चेन बनाना है, ठीक है। चेक पॉइंट टू में देखो, यहाँ पे दिया है कुछ एनिमल्स और बताना है ये सब कौन सा एनिमल है। तो चेक पॉइंट वन, चेक पॉइंट टू और प्रैक्टिस टाइम बना के रखना, क्वेश्चन आंसर्स नहीं बनाना है, उसके अलावा जितना भी चीज़ है बना के रखना। अगले दिन फिर इसके आंसर्स के साथ हम लोग मिलेंगे और डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कौन सा चैप्टर आज ये ख़त्म किए हैं, एनिमल्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स, ओके। ठीक है, चलो, थैंक यू।